उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की है और उच्च शिक्षा के लिए वो सिडनी तक गए, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव के कहने से राजनीति में आ गए। अखिलेश यादव पढ़ने में सामान्य छात्र की तरह ही रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई में असफलता का मुंह न देखा हो। यही नहीं, जब वो मैसूर में पढ़ रहे थे तो उनका कॉलेज में एक अलग ही रौब हुआ करता था। टीपू भैया के नाम से मशहूर अखिलेश यादव ने खुद अपने स्टूडेंट टाइम का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुद बताया कि उन्हें कॉलेज में आते ही एक झटका लगा था। अखिलेश यादव धौलपुर से 12वीं करने के बाद मैसूर चले गए थे। यहां वो पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक कर रहे थे। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब एग्जाम हुए तो बोर्ड पर रिजल्ट चिपकाया गया था। उन्होंने देखा कि दो पेपर्स में बैक आया है, फिर वो खुश हुए कि चलो दो ही पेपर में बैक आया। अखिलेश ने बताया कि जब वो कॉलेज के अन्य छात्रों से मिले तो उन्हें पता चला कि नोटिस पर लगे दो पेपर में ही वो केवल पास हुए हैं। पास होने वाले पेपरों को नोटिस बोर्ड पर सूचित किया गया था। अखिलेश यादव 5 पेपर्स में फेल हुए थे। ये बात उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को नहीं बताई। उन तक ये बात उन्होंने नहीं पहुंचने दी और इसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की और सभी पेपर्स को पहले ही साल में क्लियर कर लिया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। अपने कॉलेज के दिनों में अखिलेश यादव के पास जिप्सी होती थी। अखिलेश का कहना था कि जिप्सी कोई भौकाल के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि वो जरूरत पर काम आ सके। कॉलेज में अखिलेश का रौब तो काफी था, लेकिन उन्होंने कभी इस रौब को अपने व्यक्तित्व पर नहीं आने दिया। उनके मुताबिक बहुत ही कम लोगों को ये पता था कि उनके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सिडनी में भी अखिलेश यादव ने हमेशा छिपा कर रखी। किसी को ये जानकारी नहीं थी कि उनके पिता उस वक्त रक्षा मंत्री थे। अखिलेश यादव ने अपनी गलतियों से हमेशा सबक लिया। यही वजह है कि आज राजनीति में भी वो अपने किए गए गलत फैसलों को कई बार सोचकर अब विचार करने के बाद तय करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।